साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि वो हर तरह से लोगों को लुभाने में लगी हैं। मंदिर जाने से लेकर मजार तक में मत्था टेकने तक प्रियंका हर धर्म के लोगों को साधना चाहती हैं। ऐसे में अब संत रविदास जयंती के मौके पर 27 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस जाएंगी और ऐसा लग रहा है कि वो मोदी के गढ़ में सीधे सेंध लगाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी आने की सूचना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू। वैसे 27 फरवरी को वाराणसी में रविदास जयंती पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा इस महीने उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों का दौरा कर पूजा अर्चना में भाग ले रही हैं। इसमें प्रयागराज में संगम स्नान और मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना शामिल है। अब वाराणसी आकर संत रविदास को नमन करेंगी। प्रियंका अपने दौरे के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। रविदास जयंती यानी 27 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा सुबह 10 बजे बनारस आएंगी। वो सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में जयंती पर होने वाले पूजन और लंगर में भी शामिल होंगी। उनके आने की सूचना पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। संभव है कि वो पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से पार्टी के जमीनी हकीकत को परखने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। ये जानकारी पूर्व विधायक अजय राय ने दी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सही तरीके से वोट बैंक की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहाँ प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है, वही आम जनता मुद्दों को भी उठाने में पीछे नहीं है। राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में 25 फरवरी से रविदास जयंती का शुभारंभ होगा जो 28 फरवरी तक चलेगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार गुरुवार को मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। आरती में भाग लेने के बाद वो श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगी। ये जानकारी मंदिर के व्यवस्थापक सतीश कुमार उर्फ फगुनी राम ने दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।